लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी संसदीय जिम्मेदारियों के साथ ही अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यही वजह है कि दिल्ली में अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच भी वो समय मिलते ही अपने क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए उनके बीच पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कोटा स्थित अपने निजी निवास पर लगातार 3 दिनों तक जनसुनवाई का आयोजन किया। कोटा की जनता ने भी जनसुनवाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटा बूंदी संसदीय सीट के सांसद ओम बिरला के दादाबाड़ी स्थित आवास पर जनसुनवाई के लिए टेंट लगाए गए थे। जनसुनवाई में लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। हाड़ौती के लोगों ने अपने जनप्रिय सांसद को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने ज्यादातर समस्याओं का निराकरण तो मौके पर ही कर दिया। जनसुनवाई के दौरान खास बात ये रही कि लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल नहीं बैठे। उन्होंने लगातार कई घंटों तक खड़े रहकर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने जनसुनवाई में मौजूद तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें और फील्ड में जाकर ज्यादा समय बिताएं ताकि लोगों की दिक्कतों को अच्छी तरह से समझा जा सके। जनसुनवाई के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के स्वागत और अभिनंदन का सिलसिला भी चलता रहा। लोगों ने मालाएं पहनाकर और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। राजस्थान का बूंदी जिला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। बूंदी के सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में भी स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अपने सांसद और लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करने और उन्हें बधाई देने में भी बूंदी की जनता पीछे नहीं रही। लोकसभा अध्यक्ष भी बड़ी आत्मीयता से लोगों से मिले और बड़े गौर से उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर बूंदी के विधायक अशोक डोगरा और केशव राय पाटन विधानसभा सीट की विधायक चंद्रकांता मेघवाल भी मौजूद रहीं। स्थानीय किसानों और सरपंचों ने अपने अपने गांवों की समस्याओं को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिए।